नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी में। और दोस्तों, आज मैं SOL के हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करते हैं और उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। जैसे कि आपको इस पेज पे आ जाना है SOL के, और यहाँ पर आपको SOL रोल नंबर आपको पेस्ट कर देना है। दूसरा, आपका नीचे में आपको SOL के बार कोड, आपको जो रोल नंबर के नीचे आपको बार कोड नंबर डालना है और उसे लॉगिन कर देना है। इसको आप लॉगिन जैसे करेंगे तो एक आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको बताएगा कि UG एडमिशन टिकट फॉर ओपन एग्जामिनेशन 2021 पे क्लिक करें। यहाँ से आप कर सकते हैं, और ऊपर में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। प्रत्येक विद्यार्थी को नीचे लिखे हुए प्रश्न पत्र के ऊपर डाउनलोड एवं आंसर शीट के अपलोड के लिए पंजीकृत करना अनिवार्य है। इस कार्य के लिए विद्यार्थी को अपना चालू मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID देना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर उन्हें OTP प्राप्त होगा। तो आपको अगर आपका ईमेल ID या मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो आपको इसे एक्टिव करना अनिवार्य है। तो अगर आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत है तो उसे आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना होगा। माय अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ डिटेल ओपन होगा। यहाँ पर सबसे नीचे में आप देख पा रहे हैं चेंज मोबाइल ईमेल आईडी, तो इस वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत डले रहते हैं, तो आप यहाँ से अपना अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के टाइम कहीं ऐसा दिक्कत ना हो आपको। तो हम वापस अपने पेज पे आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप एडमिशन हॉल टिकट आप ओपन मतलब कि डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं अपना। तो इस वाले पे आपको नीचे देख रहे हैं, इस वाले पे आपको UG एडमिशन टिकट फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन 2021 पे क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये आपके डिटेल के साथ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, कोर्स यानी कौन सा कोर्स है, फर्स्ट या सेकंड, वो आपको सेमेस्टर दिखा देगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पे आपका एड्रेस, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि DS रावत के सिग्नेचर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऊपर में एग्ज़ाम रोल नंबर और उसके नीचे में आपको SOL रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से पेपर किस डेट को होंगे, तो उसको देखने के लिए आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो इसे हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ नीचे करते हैं तो आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वही डिटेल जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इसमें आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब एक्टिव होना चाहिए। ऊपर में देख पा रहे हैं आपका सिग्नेचर दिखा दे रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको डेट वाइज आपका एग्ज़ाम पेपर कोड ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन हो रखा है। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 15 मार्च फर्स्ट पेपर दिया गया है, 16 मार्च को, उसके बाद 20 मार्च को, और चौथा 25 मार्च को। यहाँ पे साइड में एग्ज़ाम पेपर कोड जो कि आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, और यहाँ पे आपको यहाँ डेट दिख रहा है। यहाँ पे कुछ अनुदेश दिया हुआ है, इसे आप सही से पढ़ लें, क्योंकि इसी के आधार पे आपको पेपर देना होगा, कि जो भी इसमें डिटेल भरा हुआ है उसी के आधार पर कहीं गलत ना भरें। यहाँ पर पूरा डिटेल आप पढ़ लें, यहाँ पे जो भी दिया गया है उस चीज़ को पढ़ लें। फिर आपको नीचे में यहाँ PDF डाउनलोड करने के लिए ये प्रिंट पे आपको क्लिक कर लेना है।
प्रिंट पे जैसे आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको पीडीएफ यहाँ पे देख रहे, इस पर क्लिक करके सेव कर लीजिए। इस पे जैसे वो क्लिक करते हैं तो ये आपके डाउनलोड फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आशा कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दे एक लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।